वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ एटम्स। यहाँ हम लोग अब बात करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कुछ लॉ है जिनके हिसाब से केमिकल जो कॉम्बिनेशन होता है, जो रिएक्शन होता है, जैसे कि आप पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एटम कम्बाइन होकर चाहे मॉलिक्यूल के फॉर्म में या आयंस के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो उसी के बारे में वो कैसे कम्बाइन करता है, वो कुछ रूल्स है, कुछ लॉ है, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर टू का भी थीम है, ठीक है, कि चैप्टर टू जो इच मैटर अराउंड अस प्योर, उसको मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। वो यही कारण है कि मैं चाहता था कि पहले आप समझे कि मैटर प्योर क्यों नहीं है, ठीक है, हमारे चारों तरफ। ये तो जानते हैं मैटर हमारे चारों तरफ प्योर नहीं है, पर क्यों नहीं है तो आप जानते हैं, अभी तक आप जान चुके हैं, अब अच्छे से जान चुके हैं कि हमारे आसपास जितने चीज़ हैं वो सब एटम से बने हुए हैं, पार्टिकल से बने हुए हैं, जिनको हम एटम या मॉलिक्यूल कहते हैं। और अलग अलग तरह के जो एटम्स या मॉलिक्यूल हैं उनका अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जिसके कारण मैटर भी अलग अलग है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अलग अलग जो एटम होता है हम लोग के पास, मेनली अगर बोला जाए तो 118 एलिमेंट है, लेकिन 118 से बनने वाले जो कंपाउंड्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो अनलिमिटेड है। तो उनका जो नेचर है सबका अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर अलग है, ठीक है, वाटर का नेचर अलग है। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर अलग है क्योंकि वो अलग एलिमेंट से बने हुए हैं, ठीक है, और उनमें एटम्स की जो संख्या है वो अलग अलग है। ऑफकोर्स दोनों में ऑक्सीजन है, लेकिन दोनों में एटम्स की संख्या अलग अलग है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि मैटर में जो है मैटर का अलग अलग नेचर होता है। अभी हम लोग पढ़ने वाले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में इसी के बारे में बात करते हैं कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या। तो मैंने आपको स्टेटमेंट पहले ही दे चुका है, तो दीज आर सम ऑफ द लॉज, ये कुछ लॉ है जिसके हिसाब से केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि केमिकल रिएक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है, ठीक है। तो इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें, वैसे तो इसको डिफाइन कोई नहीं करता है, फिर भी हम अगर डिफाइन करना चाहें कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या, तो ऐसे डिफाइन करेंगे, दोज लॉज, वैसे लॉज, ठीक है, विच अकॉर्डिंग टू विच, जिसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू विच केमिकल रिएक्शंस, अकॉर्डिंग टू विच केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल चेंज, जो मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं, अकॉर्डिंग टू विच केमिकल रिएक्शंस, या ऐसे बोलिए आप केमिकल रिएक्शन आपको भारी लगे तो केमिकल कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। रिएक्शन का सिंपली मीन्स है कॉम्बिनेशन, ठीक है, अभी आपके लिए सिंपल के लिए, कॉम्बिनेशन में बहुत सारा रिएक्शन होता है, ठीक है, पर अभी तत्काल के लिए ये वो जो कॉम्बिनेशन हो रहा है केमिकली कंबाइन हो रहा है, जैसे H2 और O2 दोनों कंबाइन करके H2O बना रहा है, ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर बनाने के लिए। तो इनके पीछे कुछ लॉ है जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं, उन्हीं लॉ को एक साथ बोला जाता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यहाँ ये दोनों कंबाइन किए हैं, ये बनाए हैं, तो इन्हीं को बोला जाता है केमिकल कॉम्बिनेशन। तो दोज लॉज अकॉर्डिंग टू विच केमिकल कॉम्बिनेशन या रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, जिसके हिसाब से केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, उन्हीं को बोलते हैं क्या, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम लोग के सिलेबस में मेनली दो लॉ है, ऑफकोर्स बहुत सारे लॉ है, और एक कभी कोई कोई अच्छा बुक में आप देखेंगे तो तीन लॉ दिया रहता है क्लास 9 में ही, ठीक है। उनमें से जो लॉ है वो मैं पहला लिख रहा हूँ, पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसको मैंने बहुत बार आपको फील करा दिया है, ठीक है, फिर भी हम एक बार और पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा पहला होने वाला है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सेकेंड क्या होने वाला है, सेकेंड होने वाला है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट, या कभी कभी कॉन्स्टेंट के लिए एक और शब्द है हमारे पास डिफिनिट, ठीक है। तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट और डिफिनिट प्रोपोर्शन भी कभी कभी इस लॉ को बोला जाता है, ठीक है। ये सब अलग अलग साइंटिस्ट किए थे, मैं पहले यही बता रहा हूँ और इसके बाद डेल्टन लॉ बताऊंगा, बड़ा अजीब है, सब क्लास में या जहाँ भी होता है तो पहले डेल्टन लॉ पहले होता है बाद में ये होता है, पर मैं चाहता हूँ कि पहले यही होना है। वैसे तो मैं बड़ा अजीब आपको लग रहा होगा कि पहले क्या बता दिए, पहले आप क्या बता रहे, पर यही मानिए, मेरा बात मानिए, यही सीक्वेंस है पढ़ने का एटम्स को, जिससे कि आप सब कुछ समझते हुए चलेंगे, नहीं तो आप रटेंगे। तो चलिए पहली बात हम लोग कर लेते हैं कि इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या ये कहना चाहता है, ठीक है। इसको एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है एक वेरिफिकेशन के लिए, वो भी पढ़ेंगे। तो लॉज ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास, तो नाम से पता चला कंजर्व मतलब कोई चीज़ जो खत्म नहीं होता, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्रिएट नहीं हो सकता, कंजर्व मतलब बचा के रखे हुए, ठीक है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, इससे क्या मतलब है कि हमारे एनवायरनमेंट जो है उस पर कोई भी बाहर का इफेक्ट ना पड़े, उसी को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसका सिंपली क्या मतलब आ रहा है, तो कंजर्वेशन मतलब यहाँ पे सिंपली मतलब आ रहा है कि जो मास है वो ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिंपल मतलब आ रहा है। मास को नहीं क्रिएट करने का क्या मतलब है, ठीक है, मास को नहीं क्रिएट करने का मतलब है मैटर को नहीं क्रिएट करना, क्योंकि मैटर जो है, मैटर रहेगा तो उसके पास मास होगा। मास क्या होता है, कितना मैटर है किसी चीज़ में, अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी सब्सटेंस इज रिफर्ड टू एज इट्स मास। मास एंड वेट आर टू डिफरेंट थिंग, मास और वेट दोनों अलग अलग चीज़ है। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ बोल रहा है, इसे क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि मैटर जो है वो ना ही
मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, मैटर ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय। तो होता क्या है, तो इसका भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी बहुत बार कि होता यही है कि जो केमिकल कम्बिनेशन होता है इसमें सिंपली ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाता है और ये H2O बनाता है। तो इसमें देखिए वही हाइड्रोजन है वही ऑक्सीजन है और उसी से H2O बना, ठीक है, ओके। और यहाँ आप देखिए अब आपको लगेगा कि नहीं यहाँ मैटर दो टू हाइड्रोजन था, यहाँ ये क्या है दो ऑक्सीजन है, पर यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है इधर को जो जो रिएक्शन में पार्ट लेता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है, ठीक है, जो सब्सटेंस फॉर्म होता है एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इसको अगर हम बोले प्रोडक्ट और इसको रेफर करें रिएक्टेंट, मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ अगर दिक्कत है आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्रोडक्ट का, तो ये अगर रिएक्टेंट है तो आप देखेंगे नहीं यहाँ तो दो ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही है, तो ये तो एक ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा नहीं है। इसी के लिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, ये अभी बैलेंस नहीं है अनबैलेंस्ड है। तो कैसे बैलेंस किया जाता है, जैसे आप समझिए यहाँ हम लोग बैलेंस करने के लिए दो ऑक्सीजन करने के लिए आगे में कोफिशियंट लगा देंगे, जैसे एक्स के आगे 2x लगा देते हैं, और अब ये चार हाइड्रोजन हो गया तो इसको 2 लगा देंगे। चलिए आपका बैलेंसिंग अभी सिलेबस में नहीं, आप इतना ही समझिए। अब देखिए ये चार हाइड्रोजन इधर, चार हाइड्रोजन इधर, दो ऑक्सीजन इधर, दो ऑक्सीजन इधर, मतलब मैटर जो है वो ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, कब, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक और बात अगर आप जनरल नॉलेज के लिए रखना चाहते हैं तो रखिए कि ये लॉ दिया किसने था और कब दिया था। तो ये एंटोनो वैन लेवोवाइजर थे, ठीक है, उन्होंने दिया था, और ये 18th सेंचुरी के लगभग लगभग आपको शायद 7074 और 5th का बात है, 7074 में ये कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ दिया गया था, किसके द्वारा, तो बाय, यहाँ आप लिख लीजिए जनरल नॉलेज के लिए, बाय लेवोवाइजर, ठीक है, बाय लेवोवाइजर, एंटोनो वैन लेवोवाइजर पूरा नाम है लेवोवाइजर, इन 1774 में इन्होंने ये लॉ दिया था। तो पहले आप इस तरह से स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मैटर कैन नॉट, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। मैटर का सिंपली मतलब है मास, ठीक है, मास को अगर डिफाइन करें तो मास क्या है, मास है अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में कितना मैटर है, ठीक है, वही उसका मास होता है इन एनी सब्सटेंस, ओके। अब हम लोग चलते हैं कि इस लॉ को अच्छे से कैसे बोले, तो उसके लिए आपको पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफिनेशन समझना पड़ेगा। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये दो ऐसे चीज है जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो इनको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो सब्सटेंस फॉर्म होता है एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन में एक नया चीज फॉर्म होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो चलो बात करते हैं, पहली बात दो चीज़ों की, एक है रिएक्टेंट और एक है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या है, तो रिएक्टेंट वो सब्सटेंस है जो फॉर्म होता, जो पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शन में, तो द सब्सटेंस, ठीक है, वो सब्सटेंस है, या ऑफ कोर्स सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, और एस विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो हिस्सा लेते हैं किसमें, किसी केमिकल रिएक्शन। और क्या है, और एक आपको जानना है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या है, तो वो सब्सटेंस जो फॉर्म होता है, जो बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, तो द सब्सटेंस या द सब्सटेंसेस जो फॉर्म होता है एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, ओके। जैसे यहाँ एग्जाम्पल ऊपर मैंने लिख दिया है, वाटर जो है ये आपका प्रोडक्ट है, और जो H2 और O2 है वो क्या है, रिएक्टेंट है, ओके। अब इसको एक फॉर्मल लैंग्वेज में रख देते हैं, मास नहीं डिस्ट्रॉय होने का क्या मतलब है, कि इधर जितना मास है, ठीक है, इधर मास भी उतना ही रहे, मास अगर खत्म नहीं हुआ है, नहीं बना है, इसका क्या मतलब है, ठीक है, मास कंजर्व, इसका क्या मतलब है कि मास जो होगा रिएक्टेंट का यानी रिएक्शन से पहले का, और मास जो होगा प्रोडक्ट का वो सेम होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट ऐसे बोल सकते हैं, ये स्टेटमेंट 1 है, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। स्टेटमेंट 2 कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्टेटमेंट 2 ऐसे डिफाइन करेंगे, स्टेटमेंट 2 कहेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यह कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो मास होगा रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसको मैं इस ऊपर वाले एग्जांपल से आपको क्लियर भी कर देता हूँ, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, मास ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन, इसको मैं बोल देता हूँ कि देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ रिएक्शन, मतलब मास के का कोई चेंज नहीं होता है किसी केमिकल रिएक्शन में, ना ही गेन होता है ना ही लॉस होता है मास का कब किसी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, यानी मास कंजर्व है। यहाँ पे अब देखिए ऊपर वाला जो एग्जांपल है वाटर का फॉर्मेशन का, उसी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ देखिए इसको बैलेंस लिखेंगे हम, बैलेंस लिख मतलब कि दोनों तरफ एटम इक्वल होंगे, सॉरी
H2 plus O2 2H2O, यानी चार इधर। अब देखिए इसका मास कैलकुलेट कर दें, तो अभी तक आपको मास कैलकुलेट करने आ ही गया है। ये यहाँ क्या है, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन का कितना होता है, वन हाइड्रोजन का होता है वन, तो दो हाइड्रोजन का दो, और यहाँ दो कोएफिशिएंट लगा हुआ, मतलब डबल है, मतलब यहाँ चार हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन का मास कितना होता है वन का वन, तो चार का हो गया चार यू, यानी चार यूनिफाइड मास। ओ एक ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का एटोमिक नंबर कितना है एट, ठीक है, तो इसका एटोमिक मास क्या हो जाएगा, उसका डबल कीजिए, यानी 16, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के कारण मास होता है, तो ये हो गया 16U एक का, और दो है तो 2 × 16U यानी 32U। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट यहाँ कितना है, तो टोटल मास अगर रिएक्टेंट की बात करें तो वो है 32 + 4, कितना है इक्वल टू 32 + 4 = 36U। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं इसकी, तो वाटर का क्या है, वाटर तो एक मॉलिक्यूल है, वाटर का कैसे मास निकालेंगे, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जो है उसको कर दो, दो है इंटू एक वाटर का एक, तो दो वाटर का 2 × 1 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो कितना आ गया 16 + 2 = 18 यानी 36U। ये क्या है, ये है मास ऑफ प्रोडक्ट। तो आप क्या देखें कि मास जितना रिएक्टेंट में था उतना ही प्रोडक्ट में है, ठीक है, यानी सिंपली अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आपको सही करना है तो आपको जितना एटम है रिएक्टेंट में उतना एटम प्रोडक्ट में करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मास होता किसका है, एटम्स का, किसी मैटर में मास है इसका क्या मतलब है कि उस एटम, वो जिस चीज़ से बना हुआ है उस एटम से, जिस एटम से बना हुआ है मैटर उसमें मास है, और यानी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो एटम्स है जो जो हिस्सा ले रहे हैं किसमें, केमिकल का रिएक्शन में, उनको बैलेंस करना पड़ेगा, यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में जितने एटम्स हैं मस्ट बी इक्वल टू, उनको इक्वल होना पड़ेगा किसके बराबर, मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। अब अगेन आप इससे कन्फ्यूज, हम ज़्यादा लिख दिए तो ऐसे आप कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा कि किसको मैं लिखूँ, आपके लिए जो अच्छा लग रहा है वो आप लिख सकते हैं, जो बुक ज़्यादा यूज करता है वो ये यूज करता है कि मास जो होता है रिएक्टेंट का वो इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट का किसी केमिकल रिएक्शन में, मतलब कोई चेंज नहीं होता मास का ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन में, या सिंपली वर्ड में क्या बोल सकते हैं कि मास इसका मतलब कंजर्व, ठीक है। अब देखिए हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको लेबोरेटरी में, अपने लेबोरेटरी में वेरीफाई भी कर सकते हैं, और एक वेरीफिकेशन NCERT में दिया हुआ, उस वेरीफिकेशन को करते भी, ठीक है, तो एक वेरीफिकेशन करते हैं, उसके लिए हमको दो तीन केमिकल का नॉलेज होना चाहिए, और उस केमिकल को आप फार्मूला भी खुद ही बनाएंगे, अभी हम लोग साथ में बनाएंगे, तो पहला है उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए सोडियम सल्फेट का। अगेन आपको अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, कि इसका फार्मूला कैसे होगा, तो आप क्रिस क्रॉस वाला मेथड देखेंगे, उसी से बनाएंगे हम लोग अभी, मान लीजिए मुझे भी नहीं आता, तो सोडियम कितना एटॉमिक नंबर है, आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर याद करना है, तो 11, तो 11 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे तो 2 8 1, यानी इसका वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी किससे बराबर होता है, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसको मैं एटम का सिंबल लिख दिया, उसके नीचे वैलेंसी लिख दिया। सल्फेट SO4, मुझे याद नहीं है कि इस पे कितना निगेटिव चार्ज होता है, कैसे निकालूंगा, तो इसका होता है 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 का हो गया -8, और -8 + 6, तो ये हो गया -2। अगर अब ये भी नहीं पता है कि ऑक्सीजन का 2 कैसे होता है, तो देखिए ऑक्सीजन का एटम नंबर कितना है, ऑक्सीजन का है एटम नंबर 8, तो 2 और 6, यानी अगर हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो हो जाएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन देना मतलब -2, तो इसलिए -8, और सल्फर 16 होता है तो 2 8 6, तो 6 है ना बाहर में, तो उसी से निकाला मैंने, तो इसका हो गया क्या मतलब 2। अब इस दोनों का हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस ओवर या क्रिस क्रॉस जिसको आप बोलते हैं, तो सोडियम सल्फेट का मेरे पास फॉर्मूला आ गया क्या, Na2Na2SO4, तो इसमें आपको प्रैक्टिस भी हो रहा है पिछले वाला। और एक जो आपको केमिकल चाहिए वो चाहिए बेरियम क्लोराइड, कौन चाहिए, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड जो है Ba और Cl, इसका भी वैलेंसी एक, इसका भी वैलेंसी एक सिंपली होता है, इसका वैलेंसी 2 बेरियम, ठीक है। अब बेरियम का एटॉमिक नंबर आपको नहीं याद है, ठीक है, कहाँ होता है, तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा वैसे, क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर बेरियम का याद रहने वाला नहीं है। एटॉमिक नंबर जो बेरियम का होता है वो होता है 56, बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने तो आपको 20-30 तक याद करने बोला है, तो ये क्यों बोल रहे हैं, तो ये एक स्पेशल है, एक प्रूफ करने के लिए NCERT में दिया हुआ एग्जांपल, इसलिए मैं भी इसको ही प्रीफर कर रहा हूं, जिससे आप NCERT बुक आराम से पढ़ सकें। बेरियम 56 है, वैसे आपको लिखने के लिए कोई नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऐसे पढ़ाया कि आप इसका भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, KLMN कर देंगे, देखिए 2 8, और इसका कैपेसिटी कितना होता है 18 का, तो अभी 56 में 18 तो एडजस्ट हो ही जाएगा, इसमें भी देखिए इसका भी कैपेसिटी होता है 32 का, लेकिन अभी 32 नहीं भर सकते हैं क्योंकि इस बार काउंट करके देखते हैं, 18 18 36 36 और 36 44 44 और 2 44 और 2, कितना हो गया 46, तो अभी इसमें नहीं भरिए, ठीक है, MnO में भरते हैं, तो O में 8 हो जाएगा, और इसमें 8 भरने से पहले इसमें आगे जाना पड़ेगा हमको 2, ठीक है, तो देखिए तो 10
10, 20 और 20 और 36 कितना हो गया 56 हो गया, यानी इसका वैलेंसी कितना है आउटर मसल लेके दो, तो आप ऐसे कर दीजिए, फिर इसको क्रॉस क्रॉस कर दीजिए तो क्या बन गया BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो ये दोनों जब रिएक्शन करता है, ठीक है, पहले मैं रिएक्शन ही बता देता हूँ फिर एक्सपेरिमेंटल सेटअप और इसका टेस्ट में बता दूंगा। तो देखिए इसमें जब सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 रिएक्ट करता है किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ BaCl2, मैंने आपको बता दिया है इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो सिंपल में एक डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आप क्लास 8 में भी पढ़े हुए हैं कि ये जो है ये इसको छीन लेगा, ये सोडियम इस बेरियम से क्लोरीन को छीन लेगा और ये बेरियम इससे सल्फेट को छीन लेगा, ठीक है। तो बनेगा क्या, तो सोडियम के साथ आ जाएगा क्लोरीन। अब अगेन सोडियम क्लोराइड का आपको फॉर्मूला पता है, ये NaCl नहीं पता है सोडियम क्लोराइड का, तो क्या करेंगे अगेन सोडियम रखेंगे ऐसे, ठीक है, क्लोरीन रखेंगे ऐसे, इसका वैलेंसी यहाँ रखेंगे 1 होता है, इसका वैलेंसी यहाँ रखेंगे क्योंकि इसका 281 11 होता है ना, तो 281 और इसका 17 होता है तो 287 यानी एक गेन करना पड़ेगा, तो NaCl और एक है क्या बेरियम सल्फेट, तो बेरियम का देखिए बेरियम का भी 2 सल्फेट का भी 2 तो 2 तो कट जाएगा तो बनेगा क्या BaSO4। और इसके बारे में आपको थोड़ा याद रखना है, इसका नाम तो आप दे सकते हैं बेरियम सल्फेट, ये जो होता है ये वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है, ये वाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो पानी में घुलता नहीं है। तो ये चीज़ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ रिएक्शन हुआ है, ये रिएक्शन लेने का यही एक मकसद है, और भी बहुत सारे रिएक्शन है लेकिन यहाँ पे एक रिएक्शन लेने का एनसीईआरटी जो यूज़ किया हुआ है हमारे हिसाब से वो इसीलिए थोड़ा हैवी तो ज़रूर है, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा कैसे लिखा जाता है जैसे मैंने प्रैक्टिस कराया, पर इससे ये फायदा होगा आपको कि आपको दिखेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में आपको ये तो नहीं दिख रहा है कि ये देखो देखो एटम भाग गया, एटम इधर गया, एटम इधर गया, ऐसा तो आपको दिखने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक लेवल पे हम लोग बात करें तो होना क्या वाला है, कुछ कलर चेंज हो जाए, ठीक है, कुछ स्मेल आ जाए, तो उसे पता चलेगा आपको कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ पे वही होने वाला है, यहाँ पे वाइट कलर का ये बनेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, यहाँ ये दोनों पार्ट लिया है, ये प्रोडक्ट में बदल गया, सोडियम क्लोराइड का अगेन कोई कलर खास नहीं होता। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ का रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए आपको कुछ केमिकल चाहिए, सम केमिकल्स, वो कुछ केमिकल्स क्या है आपको पता है, ठीक है, मैंने तो सब कुछ बता ही दिया। पहला आपका जो रिएक्शन में लेने वाला है वो कौन है, तो वो लेने वाला है सोडियम सल्फेट, तो Na2SO4 चाहिए, एक केमिकल लैब में इजीली अवेलेबल होता है। दूसरा आपको क्या चाहिए, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, ये दो केमिकल चाहिए। उसके बाद एक तीसरा चीज़ चाहिए, कोनिकल फ्लास्क, और अभी एक कोनिकल फ्लास्क में देखें तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कि कोनिकल फ्लास्क कैसे होता है। तो एक इस तरह सा, जैसा कि नाम ही पता चल रहा है कि कोन जैसा होता है, ठीक है, तो कोन फ्रस्टम ऑफ कोन मेनली, तो एक जैसा ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जैसे आप लोग तेल वगैरह नापते हैं डीलर से नापते हैं, वैसा ही होता है कोनिकल फ्लास्क। तो आपको एक लिए ये लेना है, एक ऑफकोर्स रिक्वायरमेंट होगी एक टेस्ट ट्यूब की, टेस्ट ट्यूब तो आप देखे होंगे, मुझे इतना उम्मीद है, विश्वास है आप पे, टेस्ट ट्यूब इस तरह का होता है, ओके, और क्या चीज़ है। तो और इसके साथ साथ आपको ज़रूरत होगा एक रबर कॉर्क का, ठीक है, रबर कॉर्क कुछ नहीं है, यहाँ पे ऊपर में लगने वाला एक ढक्कन होता है, इसका लगने वाला एक ढक्कन होता है, ये रबर कॉर्क का आपको ज़रूरत होगा, ठीक है, और छोटे से धागा की, ठीक है, एक थ्रेड की, इन सब चीज़ का आपको रिक्वायरमेंट होने वाला है। करने क्या वाले हैं हम लोग, तो हम लेने वाले हैं, पहला बात हम लेने वाले, मैं आपको लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है, पहले लिख दे रहा हूँ जैसे आपका टाइम ना वेस्ट हो। सो हियर इज आवर सेटअप, यही मेरा सेटअप होने वाला है। पहला काम क्या करना है, आपको एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है, ठीक है, और उस कॉनिकल फ्लास्क को के ऊपर एक कॉर्क लगाना है, कॉर्क सिंपली एक ढकने वाला है, इसको टाइट करने वाला है जिससे कि एयर इसके अंदर न जाए। वो आपको पहला काम क्या करना है कि एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है, उसके बाद एक रबर का जो कॉर्क होता है वो टेस्ट ट्यूब और थ्रेड ये सब को लेके आपको मेजरमेंट करना है, ठीक है। पहला मास इसका मेजर करना है, मास क्यों मेजर करना है, क्योंकि मास ही तो प्रूफ करने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास है, मास ही को तो वेरीफाई करने वाले हैं, तो मास आपको पहले मेजर करना, पहला काम यही होगा मेजरिंग मास या वेइंग बोल सकते हैं, वेट करना, मास ऑफ सेटअप जो हमारा सेटअप होने वाला है उसका मास मेजर करना बिना इसमें कुछ रखे हुए, जब खाली है सब कुछ, ठीक है। तब BaCl2 का यानी बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाना है कॉनिकल फ्लास्क में। सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, कोई हैवी वर्क नहीं है, ठीक है, आपको वाटर लेना है, उस वाटर में केमिकल मिला देना है बेरियम क्लोराइड, ठीक है, आपके टीचर वहाँ असिस्टेंट के रूप में रहेंगे, वहाँ आपको दिखाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन आपको मिला देना है और वो बन गया आपका सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड को, अगर पानी मिला दिए वही हो गया बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इसको कुछ हैवी नहीं लीजिए, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन मीन्स बेरियम क्लोराइड प्लस वाटर, उसको आपको मेजर भी नहीं करना है कि इतना वाटर, हाँ ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी में एक छोटा सा क्रिस्टल रख दीजिएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना देना है कॉनिकल फ्लास्क में, उसके बाद Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट को एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में रखना है,
ठीक है, छोटे से टेस्ट ट्यूब में, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, इस छोटे से टेस्ट ट्यूब में रखना है और इसको एक धागे की मदद से बांध देना है और इस धागे की मदद से इसको ट्रांसफर कर देना है, डिलीवर कर देना है किसमें, इस कॉनिकल फ्लास्क में, ये ध्यान रखते हुए कि ये दोनों केमिकल्स मिले ना, इसका जो केमिकल है वो यहाँ तक है और इसका जो केमिकल है जो जहाँ तक हो, ये दोनों मिले ना शुरू में। अब आपको मेजर करना है फिर से, ठीक है, आपको क्या करना है, फिर से मेजर करना है मास अगेन। क्यों मेजर करना है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपके जो एपरेटस है, आपका जो सेटअप है, उसमें रिएक्टेंट का मास कितना है। रिएक्टेंट कौन कौन है यहाँ पे, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो ये जब आपको एपरेटस में रख दिया गया सेटअप में, तो आपको पता करना है कि इस दोनों का मास कितना है, ठीक है। तो ये आपको सेटअप करना है, मान लीजिए इन दोनों का मास कुछ आया, ठीक है, समथिंग 265, वैसे लेटर में लग लेते हैं, मान लीजिए कि लेट इट्स मास बी एम ग्राम आया इन सब का मास, ठीक है, किसका, रिएक्टेंट का मास, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एम ग्राम किसका है, रिएक्टेंट का मास है, या M1 रख देते हैं क्योंकि प्रोडक्ट M2 रख देंगे, M1 आया। अब आपको क्या करना है कि रबर कॉर्क को थोड़ा सा ढीला करना है, जैसे कि ये धागा क्या हो, ये धागा ढीला हो जाए और इसमें गिर जाए, ठीक है, यानी ये जो हमारा टेस्ट ट्यूब है वो कुछ इस तरह का हो जाए, जैसे कि केमिकल इसमें आ जाए और रिएक्शन हो जाए। रिएक्शन होने से क्या होगा, व्हाइट कलर का एक बेरियम सल्फेट का एक प्रेसिपिटेट, यानी बेरियम सल्फेट का एक सॉलिड बनेगा, ठीक है। फिर से आपको वो करने के बाद जब केमिकल मिक्स हो जाएगा और कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, कैसे आपको दिखेगा, व्हाइट कलर का एक सॉलिड बनेगा। तो आपको फिर से मेजर करना है क्या चीज़ का, मास, अगेन मेजरिंग द मास ऑफ सेटअप, ठीक है, जिससे कि प्रोडक्ट मिल जाए। प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, तो पहले जो सेटअप था उसका मास में से और अभी जो किए मेजर उसके मास को घटा देंगे, तो मास ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा, इनिशियल जो मेजरमेंट था उससे और अभी का जो मेजरमेंट है उससे, उसको घटा देंगे। लीजिए, मान लीजिए कि मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वो M2 है, आप देखेंगे कि M1 जो है वो M2 के बराबर आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आपके एक्सपेरिमेंट में कोई डिफेक्ट है, देख लीजिए, चाहे वो एयर का हो, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, एयर का बहुत सारा चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, तो आप देख लीजिए आप कहीं मेजरमेंट गलती होगा, कुछ गलत होगा। और यहाँ मेजरमेंट के लिए अपना वेइंग मशीन होता है, बहुत सेंसिटिव वेइंग मशीन होता है, मिलीग्राम, उससे भी नीचे ग्राम को नापता है। तो आपका मास ये M1 M2 के बराबर होगा, इससे हमको क्या हो जाएगा, इससे हम वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि यही तो बोलता था कि रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर हो जाएगा। ओके, अब इसके डिपेंडेंट एक हम लोग क्या करने वाला, अभी क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपको ऊपर में क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट का अगर आपको फिर से फॉर्मूला नहीं आता है, तो वैसे मैं एक बार करवा चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो आप जाके कर लीजिए। इसका फॉर्मूला जो होता है सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3, ये रिएक्ट कर रहा है, यानी मिक्स हो रहा है, कंबाइन कर रहा है किसके साथ, एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है। अगेन ये भी ईजी है, इसमें आप देखेंगे कि ये जो है ये निगेटिव पार्ट होता है, इसका एक वैलेंसी होता है, हाइड्रोजन का भी एक वैलेंसी होता है, CH3CO- एक आयन है, H+ एक आयन है, ये दोनों कंबाइन करता है और सिंपली CH3COOH बनता है। इसका नाम क्या है, इथेनोइक एसिड, क्या नाम है, इथेनोइक एसिड, या इसको आप एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, आप सुने ही होंगे इसका, एसिटिक एसिड, एसिड बेस सॉल्ट में, क्लास 8 में, क्लास 7 में सुने ही होंगे एसिटिक एसिड। तो ये दोनों कंबाइन कर रहा है टू फॉर्म सोडियम इथेनॉइड किसको है, तो यही जो आयंस बनाए इसी को बोलते हैं सोडियम इथेनॉइड। तो सोडियम, मैं आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, बुक में तो रिएक्टेंट नाम लिखा हुआ है, तो सोडियम इथेनॉइड बन रहा है, तो सोडियम इथेनॉइड का क्या हो जाएगा, NaCH3COO, और ज़्यादा अच्छा रहेगा ये लिखूँ मैं, CH3COO Na, ये हो गया सोडियम इथेनॉइड, ठीक है, ये बना। और क्या बना है, तो और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ सिर्फ, एंड वाटर, ठीक है, इसका नाम मैं लिखने के लिए लिख दूँ, यह सोडियम कार्बोनेट, यह सोडियम इथेनॉइड, यह कार्बन डाइऑक्साइड, यह वाटर, ऐसा बना है, ठीक है। अब क्या बात है कि एक्सपेरिमेंट है, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, मतलब मास ऑफ जो इसका है ये 5.3 ग्राम है, ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे कि मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट अच्छे से लिखेंगे आप, इक्वल टू 5.3 ग्राम, ठीक है, ओके। रिएक्टेड 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, मतलब ये क्या है, ये है मास ऑफ इथेनोइक एसिड, मैं तो फॉर्मूला लिखूंगा, मास ऑफ इथेनोइक एसिड, ओके, जिसे बना क्या है, 8.2 ग्राम सोडियम इथेनॉइड, मतलब ये जो बना है ये 8.2 ग्राम बना है। और क्या बना है, तो और इसके साथ साथ बना है 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ, गैस है तो क्या होगा, उसका मास है, और 0.9 ग्राम वाटर, 0.9 ग्राम वाटर, तो ये सारा चीज़ बना है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है,
क्वेश्चन है, सो दैट द डेटा वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो देख लीजिए मास ऑफ रिएक्टेंट पूरा जोड़ देते हैं, मास ऑफ प्रोडक्ट पूरा जोड़ देते हैं, दोनों के एडअप करने पे अगर दोनों इक्वल आ रहा है, m1 m2 के बराबर आ रहा है, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें जो डेटा है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से है। तो चलिए मास ऑफ रिएक्टेंट जोड़ते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट में किसका हो जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट का मास और इथेनोइक एसिड का, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5.3 ग्राम जो कि है सोडियम कार्बोनेट का प्लस 6 ग्राम जो कितना हो गया 11.3 ग्राम। वैसे ही मास ऑफ प्रोडक्ट कर देते हैं, तो मास ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा 8.2 ग्राम, पहले तो हो गया सोडियम इथेनोइट का प्लस 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, आप नाम नहीं याद आ रहा, फॉर्मूला नहीं याद रहा इस सब का, तो कोई टेंशन नहीं आपको, उतना आपको पढ़ना भी नहीं, प्लस वाटर का जो कि 0.9 ग्राम, इसको अगर जोड़े तो 9 टू 11 और 11 टू 13 ओके 0.3 और फिर 0.2 18 और 11, तो आप क्या देखे कि दोनों रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर है, तो इसलिए हम लिख देंगे द डेटा, जो गिवन डेटा है, द गिवन डेटा वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, द गिवन डेटा वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन भी हो गया अच्छा सा, ओके। अब चलिए ये तो था किसके कौन लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास बहुत हो गया, अब बात करते हैं किसके बारे में, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में, जिसको डिफिनिट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। चलिए बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये लॉ क्या कहता है और कौन दिया था, पहले ये समझिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन सिंपली मीन्स रेशियो, और रेशियो, और रेशियो क्या है, किसी भी जो फ्रैक्शन है उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे 2 हम लिखें 6, तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 1.3 होगा, ठीक है, ओके। तो ये लॉ जो दिए थे वो जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा दिया गया था, बाय प्रोस्ट, ठीक है, कब, तो इन 1779, जस्ट 5 ईयर्स लेटर, 1774 में था वो और 1779 में ये दिए थे, ठीक है। ये क्या किए थे, ये केमिकल कंपोजिशन को देखे थे, वो तो ऊपर ऊपर से, वो फिजिकल प्रॉपर्टी यानी मास को देखे थे, ये क्या किए थे, एनालाइज किए थे, मतलब देखे थे, चेक किए थे केमिकल कंपोजिशन, मतलब कि जो कोई एलिमेंट रहता है, कोई मॉलिक्यूल रहता है, वो बना किससे रहता है, इसका क्या मतलब है, केमिकल कंपोजिशन का मतलब कि टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट, टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट और उनका परसेंटेज एंड परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, उस एलिमेंट का परसेंटेज कितना है, बहुत सारे कंपाउंड का ये चेक किए थे, ऐसा नहीं है कि एक ही कंपाउंड का किए, बहुत सारे कंपाउंड का ये चेक किए थे, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का, और वो देखे कि हर एक एलिमेंट, हर एक कंपाउंड में, एक जो फिक्स कंपाउंड होता था वाटर, उसमें हर वाटर में, चाहे कहीं से वाटर हो, ये खुद बनाए लैब में, या पीने का पानी जो टैप वाटर से लाए उसको, ठीक है, या वो समुद्र का पानी हो या वर्षा का पानी हो, उसमें देखते थे कि वाटर हमेशा दो ही रहता था और ऑक्सीजन वन ही रहता था, मतलब ये जो रेशियो था फिक्स था। अगर बाय मास देखा जाए, ये क्या है, बाय नंबर है, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन में, केमिकल कंपोजिशन ये तो हुआ कौन कौन एलिमेंट से बना हो उसको देखना, ठीक है। अगर बाय मास देखा जाए तो इसका मास होता है 2, इसका एक का वाटर का, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, तो 2:16 अगर इसका रेशियो निकाले सिंपलेस्ट, तो 1:8 हो जाएगा, तो ये हो गया बाय मास, मतलब ये जो रेशियो था वाटर का किसी भी सोर्स से, ठीक है, किसी भी सोर्स से, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स सोर्स, वो यही रेशियो रहता था। बाय मास की अगर बात करें तो, बाय नंबर की बात करें तो, ये बहुत सारे में ये चेक किए, ठीक है। इससे ये एक लॉ बनाए, ठीक है, वो लॉ क्या बनाए, ये बोले कि किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, एक ही तरह का एलिमेंट रहता है और वो फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास रहता है, ये बाय मास का मतलब है, ठीक है, कि मतलब हर एक वाटर का कोई भी हो उसमें हर एक ग्राम के लिए, हर एक ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, हर 1 ग्राम, इसका ये मतलब है 1:8 बाय मास का मतलब है, हर 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है, 2 ग्राम वाटर के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो सिंपली ये एक स्टेटमेंट दिए, ये इनका स्टेटमेंट क्या है, इनका स्टेटमेंट है, इनके लॉ का स्टेटमेंट कथन क्या है, कि इन केमिकल कंपाउंड, इन अ केमिकल कंपाउंड, किसी केमिकल कंपाउंड में, वो रिएक्शन का बात किए थे, ये किसी कंपाउंड का बात करें, उसका कंपोजिशन देखें, इन अ केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स, या ऐसे बोल सकते, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन अ केमिकल कंपाउंड, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स इज प्रेजेंट, एक ही तरह के एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, अब किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में, ऐसा नहीं कि हर एक में एक ही तरह के एलिमेंट, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंड, ठीक है, इन अ कंपाउंड सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंड, कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, या रेशियो बोले
फिक्स प्रोपोर्शन, जैसे यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ 1:8 यही है प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। और ये किसी भी सोर्स का हो, जो ये प्रोस्ट है वो बहुत सारे सोर्स से, मान लीजिए वर्ल्ड का ही अगर एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो बहुत सारे सोर्स से किए, तो बहुत सारे सोर्स से यही आ रहा था कि जो मास जो था हर एक वाटर में वो 1:8 के प्रोपोर्शन में या बोल सकते हैं रेशियो में आ रहा था, ठीक है, कहीं से भी सोर्स हो। मैं जैसे बोला कि वो चाहे हो सकता है लैब में बनाया हो या कहीं से, ओके। उसी तरह से बहुत सारे हम चेक कर सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें बाय नंबर अगर बात करें प्रोपोर्शन का, तो हर कार्बन के लिए 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। या अगर बाय मास का बात करें तो कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो मास हो गया 12, उसका डबल होता है। ऑक्सीजन का एक का कितना होता है मास, तो एक का मास होता है 16, 2 का कितना हो जाएगा 32, तो ये कितना हो गया अगर 4 से करें 3:8, मतलब इसका सिंपलेस्ट क्या रेशियो हो गया 3:8, मतलब इसका मतलब है 3:8 बाय मास, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 4 इच 3 ग्राम ऑफ कार्बन, हर एक 3 ग्राम कार्बन के लिए, ठीक है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा हम लोग को रहता है। अब देखिए जैसे वाटर है, अगर मान लीजिए कि हम 100 ग्राम वाटर को, प्योर वाटर को डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं कैसे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करा के, तो देखेंगे कि 11 ग्राम हाइड्रोजन और 89 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा हमको, ठीक है। अब फिर से अगर इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाए, ठीक है, तो वही मास हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का मिलेगा हर केस में, ठीक है, जो ये बतलाता है कि वाटर में दो ही एलिमेंट रहते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स रहता है। अब आप बोले 11 ग्राम हाइड्रोजन मिला, ठीक है, और 89 ग्राम ऑक्सीजन मिला, हाइड्रोजन 89 ग्राम ऑक्सीजन, कब, जब हम ब्रेक किए वाटर को, ब्रेक वाटर, अब बोलते हैं कि ब्रेक तो होता ही नहीं कंपाउंड, जी ब्रेक नहीं होता है कंपाउंड, कंपाउंड ब्रेक नहीं होता है, उसको हम बाय इलेक्ट्रिसिटी उसको तोड़े, तो इसका देखिए ये रेशियो, आप बोलेंगे ये तो नहीं मैच कर रहा है, इसको तो 1:8 में रहता, 1:8 ही तो है, 11 ग्राम मास और 89 ग्राम, इसको आप तोड़ेंगे तो लहो लहो किस में आ जाएगा, 11:8 जा किस में आ गया, 1:8 आ गया, जो मैंने यहाँ बताया था, तो 1:8 में ही रहता था। उसी तरह से बहुत सारा का आप कर सकते हैं, अमोनिया का NH3 का कर सकते हैं, उसमें भी रेशियो 14:3 बार बार आता है, तो बहुत सारा चेक किए और इससे यही कंक्लूजन आया कि जो किसी भी केमिकल कंपाउंड में सेम एलिमेंट रहते हैं और ऑफकोर्स उनका जो मास होता है वो भी फिक्स रहता है। तो चलिए इसके भी डिपेंडेंट एक NCERT का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ही डाल देता हूँ और उसके हिसाब से आप पढ़िए और उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है 1:8 में बाय मास टू फॉर्म वाटर, ठीक है, वाट मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड फॉर 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोग जानते हैं कि जो वाटर होता है बाय कंपोजिशन, वाटर बाय कंपोजिशन मतलब वाटर का जो चीज़ बना हुआ है वो बना हुआ है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है H2O। तो हर एक ग्राम हाइड्रोजन, हर 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 4 इच 2 ग्राम हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, 16 ग्राम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ये क्लियर है आपको, ठीक है, हर 2 ग्राम 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम, तो हर 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना है 16 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब बोला 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना, तो यहाँ पे पहले आप एक का निकाल दीजिए कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना होगा, तो 2 के लिए 16 है तो 1 के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा प्रेजेंट। अब हमको निकालना है किसके लिए, तो अब निकालना है हमको बोला है 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए ऑफकोर्स 1 के लिए 8, 2 के लिए 16, 3 के लिए 18:3 यानी 24 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, यानी 24 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, जिससे कि 3 ग्राम हाइड्रोजन जो 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मिलके और क्या बना देगा, ये बना देगा वाटर, ठीक है। और ही क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये था किसके बारे में, ये था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो 2 लॉ था उसके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं एक थ्योरी के बारे में, ठीक है, जो कि है डेल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन्स जो थे वो एक बहुत बोल सकते हैं पायनियरिंग साइंटिस्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, क्योंकि यही एक स्कूल टीचर थे, इनके केस में स्कूल टीचर ही थे ये भी, और इन्होंने ही सबसे पहली बार 1888 का बात है, इन्होंने ही सबसे पहली बार जो किया था वो एटम्स का, बहुत सारा जगह चाहे बात करें इंडिया में भी बहुत सारा बातें चल रही थी एटम्स पे, परमाणु बोलते थे, ठीक है, दूसरे लैटिन में ग्रीक में और भी बहुत जगह एटम्स की बात हो रही थी, लेकिन सब अनसिस्टमेटिक था। डेल्टन ही जो थे वो पहली बार सबको सिस्टमेटिक किए और अपना एक थियोरी बनाए, ठीक है, 1888 में, जिनको पोस्टुलेट या एजम्पशन बोलिए, तो वो थ्योरी है, वही हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। और ये एटॉमिक थ्योरी जो है ये बहुत फेमस हुआ था उस टाइम में, ऑफकोर्स उसमें से मैक्सिमम चीज़ अब गलत हो चुका है, इसीलिए मैंने आपको ये पहले नहीं पढ़ा है, क्योंकि अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कौन चीज़ गलत है कौन सही, ये दिए थे इन 18
88 में अब ये एक स्कूल टीचर थे और ये एटम्स पे एक थ्योरी दिए थे अपना, ठीक है। उनके कुछ पोस्टुलेट्स का सिंपली यहाँ मतलब है एजम्पशन, ठीक है, मतलब वो जो बोले थे। क्योंकि ये बात थी एटम्स का तो ज़्यादा कोई क्वेश्चन भी नहीं किया, क्योंकि एटम्स को देख पाना उस टाइम में पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। अभी भी उतना बहुत हाई पावरफुल स्पेक्ट्रोस्कोप माइक्रोस्कोप लगता है तो अभी पॉसिबल नहीं, खैर तो उस टाइम में तो नहीं था। तो कुछ पोस्टुलेट दिए थे, कुछ एजम्पशन, कुछ बातें बोली थी उन्होंने अपने कंक्लूजन पे, वो मैं अब लिख रहा हूँ। पहला चीज़ ये जो बोले थे वो ये बोले थे कि सारा मैटर जो है वो बना हुआ है एटम से, ऑफकोर्स इट इज़ राइट, ठीक है। ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, सारा जो एटम है, सारा जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। अब अगेन सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है ये, लेकिन स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, कॉल्ड एटम, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, ओके। दूसरा बात ये बोल दिए जो इनका गलत हो गया और अभी गलत है, हम लोग इसका पढ़ के ही आए हैं कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। ये क्या बोल दिए कि एटम्स आर इंडिविजुअल, मतलब एटम जो होता है वो इंडिविजुअल है, ये गलत है। हम लोग पढ़े हैं कि एटम जो है, एटम्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से बने हुए हैं, मतलब एटम से भी छोटा तो है, एटम को भी तो कुछ बना हुआ है, मतलब उसका भी तो सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी ये स्टेटमेंट जो था वो गलत हो गया इनका। तीसरा जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि एटम जो होते हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट किसी एक एलिमेंट का, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सारे एटम, एक हाइड्रोजन एलिमेंट के सारे एटम एक ही तरह के होंगे, मतलब उनका मास, साइज, केमिकल प्रॉपर्टीज वो सब एक होगा। क्या ये सही है? अब गलत हो चुका है, इसी बारे में हम लोग जस्ट इसके डेल्टा एटॉमिक थ्योरी के बाद पढ़ते हैं। तो तीसरा इंपॉर्टेंट बात बताएं क्या, कि ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, मैं इसको सिंपलेस्ट वर्ड में अपना लिख रहा हूँ, ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, मतलब कोई दिया हुआ अगर एलिमेंट है, कोई एलिमेंट हम लोग ले हाइड्रोजन को पकड़ ले, तो उसमें जितना एटम होगा हाइड्रोजन का, ठीक है, 10 एटम है तो 10 बचे, 10 12 एटम होता नहीं, लाखों में होता, तो एक अगर एलिमेंट ले ले उसका, अगर सारे एटम को चेक करें तो इनके हिसाब से कि सारे एटम जो होगा किसी एलिमेंट का हैव आर हैव हैविंग नहीं लिखी है तो आर आइडेंटिकल, मतलब एक जैसे होते हैं, किस चीज़ में, तो मास में, चाहे वो मास में हो, ठीक है, साइज में हो, एटॉमिक साइज हो, एटॉमिक मास हो, हम लोग बात कर चुके हैं एटॉमिक साइज की, मास की, एटॉमिक साइज की हो, मास की हो, या केमिकल प्रॉपर्टीज की हो, लेकिन ये गलत हो चुका है अब, ठीक है। आप पढ़ाए तो नहीं, हाँ इसकी लेक्चर में हम लोग पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट में, जो कि है आइसोटोप के बारे में, यहाँ इसी को अभी हम लोग देखेंगे कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें एक ही एटम के अलग अलग मास है। आपको कभी डाउट भी आया होगा कि फ्रैक्शनल मास आखिर होता क्यों है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जस्ट, ठीक है। चौथा, इसके नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है, कि इनका गलती क्या था। चौथा जो है वो ये बोले कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, इसी का जस्ट उल्टा, कि अलग अलग एलिमेंट का अगर एटम रहेगा तो वो अलग अलग होंगे, लेकिन ये भी गलत है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये ऐसे बार हम लोग अभी पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, ये भी गलत होता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, वो अलग अलग होते हैं मास में, ठीक है, साइज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में, पर ये गलत हो गया है, ठीक है। कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो अलग अलग तो है, ठीक है, लेकिन उनका मास दोनों का सेम है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और दो इम्पोर्टेंट बात बोले जो अभी हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो पढ़े हैं उनका, ये एक तरह से बोल सकते हैं ये पहले ही बता चुके थे, ठीक है। पहला ये बताए थे, ये कितना स्टेटमेंट हो गया, 4। हर एक बुक में अलग अलग स्टेटमेंट रहता है, किसी किसी में 10 भी रहता है, 20 भी रहता है, मैं उतना नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो लिखा रहा हूँ आपको। ये बताए थे कि एटम्स कंबाइंड करता है, एटम्स क्या करता है, कंबाइन करता है, ठीक है, पदार्थ। और ये भी बता दिए थे कि एटम को ना ही बनाया जा सकता है, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और यही चीज़ बाद में लेवोइजर बोले थे 1774, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ही एक स्टेटमेंट है, ठीक है, कि एटम, उसमें क्या बोला था, मैटर नहीं क्रिएट और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो उसका भी तो यह मतलब है कि मैटर किसे बनता है, एटम से, ठीक है, तो यानी एटम नहीं क्रिएट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का भी थीम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी यही कुछ कहता है। छठा जो इंपॉर्टेंट था वो ये था कि जो जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है दो और मोर एलिमेंट के बीच में, ठीक है, तो एटम कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने वक्त होल नंबर में कंबाइन करते हैं, जैसे कि आप देखे थे वाटर में 1:8 में कंबाइन करते हैं, अगर उसका बात था कार्बन डाइऑक्साइड का 3:8 में कंबाइन किया, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी 1.5 3.6 ऐसे किए हैं, ऐसा कम्बिनेशन नहीं पॉसिबल है, ठीक है, उनके टाइम तक, खैर अभी कुछ एक्सेप्शन है उनके, ठीक है। तो जब भी केमिकल कम्बिनेशन होता है, केमिकल कम्बिनेशन टेक्स प्लेस, जब भी टेक्स होता है बिटवीन एटम्स इन होल नंबर,
ठीक है, होल नंबर में होता है एंड इन फिक्स्ड रेशियो, एंड नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, नंबर जो होंगे और काइंड जो होगा एटम का, काइंड ऑफ एटम, ठीक है, किस तरह के एटम होंगे, जैसे वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, वो क्या होने वाला है, ठीक है, किसी कंपाउंड में फिक्स होने वाला है, इन ए गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड, ये बोले थे। और ये यही चीज़ बाद में जो हमारे प्रोस्ट थे वो अपना किसमें बोले, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन बोलते हैं या कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। डिफिनिट और कॉन्स्टेंट क्यों बोलते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, उसमें मास वो डिफिनिट रेशियो की बात है, इसीलिए फिक्स्ड रेशियो की बात है, डिफिनिट प्रोपोर्शन, यही तो बोले थे कि जब भी किसी कंपाउंड में केमिकल जो होता है वो फिक्स्ड नंबर और फिक्स्ड नंबर और उसके साथ साथ फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करता है। तो ये था डेल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी। इनका कुछ गलत भी हुआ स्टेटमेंट, मैक्सिमम गलत हो गया, कुछ कुछ जो है वो सही है, ठीक है। इनका क्या क्या गलती था, क्या क्या लिमिटेशन था, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी तत्काल पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कमी था, ड्रॉबैक्स एंड इसमें से एक लिमिटेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और सब तो पढ़ ही चुके हैं। ड्रॉबैक्स बोलिए, कमी बोलिए या लिमिटेशन बोलिए, इसका डेल्टन के एटॉमिक थ्योरी का, जिसके कारण ये एक्सेप्ट नहीं किया गया डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पहला यही था कि इन्होंने बोल दिया था कि एटम इज इंडिविजुअल, एटम जो है वो इंडिविजुअल है, पर ये हम लोग जानते हैं कि एटम जो है वो डिविजुअल है। ये हम लोग फोर्थ जो हमारा क्लास का जो क्या है फोर्थ चैप्टर जो है हमारे क्लास का, उसमें हम लोग यही तो पढ़े हैं कि एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है। दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि एटम्स आर फर्दर मेड अप ऑफ, एटम भी जो है वो बने हुए हैं, एटम्स आर मेड अप ऑफ, आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। जब एटम भी कुछ कुछ चीज़ से बने हुए हैं तो वो इंडिविजुअल नहीं है, मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। अगेन दूसरा जो इनका कमी था वो ये था सोचना कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही तरह के एटम का, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन हैव, ठीक है, एग्जैक्टली सेम एस, ठीक है, अगर सेम एलिमेंट का एटम्स है तो उनका एग्जैक्टली एक ही तरह का सेम मास होने वाला है, एक ही तरह का मास होने वाला है, सेम मास होने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे आइसोटोप्स के बारे में, ठीक है, कि एक ही तरह के एलिमेंट हो भी, ठीक है, हाइड्रोजन का ही है तो हाइड्रोजन का भी तीन एटम होता है, तीन अलग अलग तरह का एटम होता है, ठीक है। तो एटम्स ऑफ सेम, एटम्स ऑफ इवन सेम एलिमेंट, अगर सेम एलिमेंट का है भी फिर भी उनका भी डिफरेंट मास हो सकता है, कैन हैव डिफरेंट मास, ठीक है। और इसको हम लोग आइसोटोप के बारे में, आइसोटोप के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है, इसी चीज़ को आइसोटोप कहा जाता है, कि दो ऐसा एलिमेंट जिसका सेम, एक ही एलिमेंट है लेकिन उसके जो एटम्स है उसके डिफरेंट मास है। जैसे हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का एक एटम होता है जिसका मास वन होता है, ठीक है, एटम एक ऐसा एटम होता है हाइड्रोजन का ही जिसका एटॉमिक मास दो होता है, एक ऐसा एटम होता है जिसका हाइड्रोजन एटॉमिक मास तीन होता है। तो ये इसका नाम भी होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खेल के कारण, यहाँ एक न्यूट्रॉन बढ़ गया, यहाँ एक न्यूट्रॉन बढ़ गया। हम लोग जानते हैं सिंपल हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं रहता, एक ही प्रोटॉन रहता है जिसके कारण इसका मास वन होता है, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा जो इनका गलत हो गया वो ये हो गया कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, ये भी इनका थोड़ा सा गलत हो गया, एटम्स हैव डिफरेंट मासेस, ठीक है। पोटेशियम का और कैल्शियम का, दो पोटेशियम का एक आइसोटोप है उसका और कैल्शियम का, दोनों का एटॉमिक मास 14 होता है, ठीक है, तो भी हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, इनका स्टेटमेंट था, ये भी भैया रॉन्ग हो गया है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि क्यों गलत हो गया, बिकॉज कुछ ऐसे एलिमेंट भी है किसी किसी एलिमेंट के, इवन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, कुछ एटम हैं डिफरेंट एलिमेंट के, उनके पास हैव सेम मास। एग्जांपल में आप लेना चाहे तो ले लीजिए, पोटेशियम का भी एक का 14 मास होता है और कैल्शियम का भी मास एटमिक मास होने के कारण भी 40 होता है। ये इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसको आइसोबार्स कहते हैं, इसको आइसोटॉप्स पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो क्या है, इसका क्या ज़रूरत है, क्या इससे हम कोई काम ले सकते हैं, कैसे इनका नेचर डिफरेंट होता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब हम पढ़ लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।